स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 14 के बारे में बात करने वाले हैं। आज की डेट क्या है, 2/9/2021 और साइंस सब्जेक्ट की है बच्चों, क्लास 8th की है। यहाँ पर आपको अपना नेम या अपने टीचर का नेम लिखना है। और इस वर्कशीट को शुरुआत करवाने से पहले बच्चों, मैं आप सभी को एक बात बता दूँ, ठीक है, कि आप सभी जो है लास्ट वीक के जो विनर थे उनको हमने क्या कर दिया, गिफ्ट सेंड भी कर दिया है। और आप सभी को बता दूँ, इस वीक नेदर क्या है, कॉन्टेस्ट ओपन कर दिया गया। यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और फुल वीडियो को वॉच करना, ठीक है। आइए देखें इसमें क्या दिया गया, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मैनी सब्सटेंस आर फाउंड अराउंड अस, व्हाट डिड यू इफ वी आस्क अ सेपरेट सब्सटेंस दीज मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। परहैप्स द थिंग्स दैट आर सॉलिड एंड शाइनी यू विल कॉल्ड मेटल। टूडे वी विल डिवाइडेड इंटू अ डिफरेंट बेस्ड ऑन द अपेयरेंस ऑफ हार्डनेस, ठीक है। यानी कि बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो क्या होते हैं, हार्ड और शाइनी होते हैं, ठीक है, और हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। आपके दिमाग में बस एक चीज़ आती है बच्चों की, जो चीज़ शाइनी और सॉलिड हो वही क्या है, मेटल है। बट अभी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्या है, इनकी कई और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वी यूजअली कॉल द ग्रुप मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, और यूजुअली हम इन ग्रुप्स को मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, अगर मेटल के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस। तो मोस्ट ऑफ मेटल आर हार्ड इन नेचर, जो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने नेचर में हार्ड होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं। उनको दबाओगे तो वो दबेंगे नहीं, पिचकाओगे तो वो पिचकेंगे नहीं, ठीक है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच दे कैन ड्रॉन इनटू अ थिन, ठीक, थिन वायर। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों, आप सभी को बता दूँ, जो वायर बनता है, वायर क्या होता है, मान लो एक सॉलिड कॉपर ले लो, उस कॉपर से क्या है, वायर क्या है, एक पतला सा लंबा सा वायर बनता चला जाएगा, वही चीज़ इसकी क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल में कॉपर वायर हो गया सॉलिड, ठीक है, गोल्ड का वायर हो गया, सिल्वर का वायर हो गया, आयरन का वायर हो गया, ठीक है। सबसे मजबूत और सबसे अच्छा वायर किसका माना जाता है, पता है आपको बच्चों, गोल्ड का वायर, किसका, गोल्ड का। इसके बाद क्या है, सॉलिड, मोस्ट मेटल एक्सपेक्ट मर्करी आर इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर मर्करी को छोड़ दें तो बाकी सारे मैटर क्या हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। मर्करी इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज्ड इन द थर्मोमीटर। इसी वजह से थर्मोमीटर में मर्करी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। और मेलेबिलिटी क्या होती है, इट लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेलेबिलिटी थ्रू द एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी इसमें, आयरन नेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एल्यूमिनियम वायर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कॉपर वायर की, और कोल, पेंसिल लेड और कार्बन रॉड और हैमर की इसमें क्या है बच्चों, आपको रिक्वायरमेंट होगी। आगे देखो, वी आर केयरफुली वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी और यू आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर दिस फॉर यू, ठीक है। आपको क्या है, इसमें बहुत ही केयरफुली होकर ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है, अपने एल्डर ब्रदर और सिस्टर से पूछकर आप कर सकते हो, ठीक है। कलेक्ट ऑल अबव टेबल, बीट दीज मटेरियल वन बाय वन बाय हैमर। आप सभी जितना भी चीज़ें ऊपर बोली गई इनको ले लो और इनको वन बाय वन हैमर से क्या करो, बीट करो। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन फिल द टेबल, और आपको ऑब्जर्वेशन जो होगा उसके बेसिस पर आप टेबल को क्या कर दो, फिल्ड कर दो, ठीक है। तो चलिए पहले, इसके पहले क्या है बच्चों, ऊपर एक टेबल और दी गई है, इसको हम कंप्लीट करवाते हैं, देन फिर उसको कंप्लीट करते हैं चल के। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको, ठीक है। पहले देखिए आयरन क्या होता है, अपेयरेंस में आपको लिखना है कि देखने में कैसा लगता है। तो आयरन क्या होता है बच्चों, देखो इसको क्या है, बड़ा मैं करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आयरन देखने में आपको शाइनी लगता होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, शाइनी हो जाएगा, ठीक है। इसी जगह पे इसकी हार्डनेस की अगर बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, आप लिख लेना वेरी हार्ड, ये देखो स्पेलिंग लिखी है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, कॉपर क्या होता है, डल होता है, DUL L यहाँ लिख देना, और यहाँ पर ये क्या होता है, हार्ड नहीं होता है, तो लिख देना नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। और इसके बाद नीचे सल्फर क्या होता है, सल्फर भी बच्चों होता है डल, ठीक है, सल्फर भी होता है डल, और ये भी क्या होता है, हार्ड नहीं होता है, ठीक है, सल्फर भी क्या होता है बच्चों, हार्ड आपका नहीं होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या होता है, शाइनी होता है, और कॉपर भी क्या होता है बच्चों, शाइनी होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, और ये भी क्या होता है, वेरी हार्ड होता है। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या दिया गया, आगे आपको दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर बोला गया नेल,
देखो अब अभी एक्टिविटी हम लोग कर रहे थे उसी एक्टिविटी पे वापस आ गए हैं। नेम ऑफ द मटेरियल, नीचे आपको मटेरियल दिया गया उसका नेम बताना है। जैसे नेल क्या है, डज इट फ्लैट एंड ब्रोकन इनटू अ पीस सम बीइंग हैमर्ड। ठीक है, अगर आप इसको क्या करो एक हैमर से ठोको तो ये क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, क्या होगा, तो इसका आंसर आपको देना है। तो बच्चों जब भी नेल पर हैमर से हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसको हिट करेंगे तो फ्लैट हो जाएगी। उसके बाद कोयला क्या हो जाएगा, ये कोयला जो होगा ये हो जाएगा ब्रोक। ठीक है, इसको हैमर से अगर ठोकते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। इसके बाद अल्मीनियम वायर भी क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी फ़्लैट हो जाएगी। ठीक है, कॉपर वायर भी बच्चों क्या हो जाएगी, फ़्लैट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो आपका है कार्बन रॉड, कार्बन रॉड क्या हो जाएगी, ब्रोक हो जाएगी। ठीक है, ये कार्बन की रॉड क्या होगी, कार्बन रॉड भी क्या होगी बच्चों, टूट जाएगी। और इसके बाद पेंसिल लेड जो होगी ये भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, ये भी ब्रोक होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया। आगे बोला गया है यूजुअली मोस्ट ऑफ द मैटर आर फ्लैटेंड ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो फ्लैट हो जाते हैं बिना ब्रेक हुए। दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल नोन एज मैलेबिलिटी, और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैलेबिलिटी कहलाती है। यानी कि जब भी मेटल को हिट करें वो क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। नॉन मेटल गेट इन टू अ पीस ऑन बींग हैमर, जब भी किसी नॉन मेटल को हम हैमर से ठोकते हैं वो क्या होता है, टूट जाता है। एंड नॉन मेटल आर, नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टेरियल इन नेचर होते हैं। देयरफॉर वी कैन सी द मैटर आर हार्ड, शाइनी एंड डक्टाइल एंड मेलेबल एग्जाम्पल ऑफ मैटर आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ठीक है, सॉलिड सिल्वर। और नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या हो गए, सिल्वर, कार्बन डाई, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों इसमें दिया क्या गया। इसमें बोला गया है राइट एनी टू मेटल कैन बी ईजली कट बाय नाइफ। ठीक है, दो ऐसे मेटल आपको बताना है जो आसानी से क्या हो, नाइफ से कट जाएं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर आपकी वर्कशीट में ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला गया है, अ फ्यू एक्सपेंशन लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है, विच कैन कट बाय नाइफ। तो आप लिख देना सोडियम एंड पोटेशियम, यहाँ से लिखना सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कट बाय नाइफ। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर वन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। इसमें बोला गया है नेम द मैटर फाउंड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो कौन सा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, मरकरी, आप इसका आंसर लिख लेना। ठीक है, मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और आप इसका आंसर लिख लेना। तो इसका आंसर बच्चों मरकरी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, वॉट इज डैक्टाइल, विच मेटल वुड यू प्रिफर फॉर वायर। ठीक है, डैक्टाइल क्या होता है, तो बच्चों डैक्टाइल क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर थ्री। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं और हम कौन सा मैटर प्रीफर करेंगे अगर वायर बनाना होगा। तो देखो नॉर्मली सबके यहाँ कॉपर वायर यूज़ करा जाता है, आप चाहो तो कॉपर भी लिख सकते हो, बट अगर आपको अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल चाहिए तो उसके लिए गोल्डन, ठीक है, गोल्ड। तो आप बस इतना आंसर लिख देना बच्चों, बाकी लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल आपने दे दिया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों आगे क्या दिया गया। आगे दिया गया है नेम एनी टू मेटल डैट आर मेलेबल इन नेचर, मेलेबल इन नेचर जो हैं, ठीक है, ऐसे कोई दो मेटल्स के नेम बताने हैं तो वो कौन हो जाएंगे बच्चों। देखो एक हो जाएगा आपका आयरन, ठीक है, यहाँ लिख देना आयरन। ठीक है, और दूसरा क्या लिख देना, दूसरा लिख देना कॉपर, दूसरा क्या लिखना बच्चों, कॉपर लिख देना। ठीक है, तो आंसर नंबर फोर का ये हो जाएगा। और राइट वन यूज़ ऑफ एल्युमिनियम मेटल, ठीक है, एल्युमिनियम मेटल का एक यूज़ आपको लिखना है, तो बच्चों लिख लो। ठीक है, एल्युमिनियम मेटल का यूज़ मैं यहीं पर बच्चों आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, इट यूज्ड इन मेकिंग वायर। ठीक है, ये किस में यूज़ करा जाता है, ठीक है, इट यूज्ड इन मेकिंग वायर, इसका वन क्या हो गया, एक आपसे पूछी गई थी यूज़, एक मैंने लिखवा दिया, इट यूज़ इन मेकिंग वायर। ठीक है, या लिख देना एल्युमिनियम यूज्ड इन मेकिंग वायर। ठीक है, तो आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है बच्चों, यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जो है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का प्रयास करना। धन्यवाद बच्चों।